हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है भाई दूज का, मैंने व्रत कर रखा है अपने भाई के लिए। एक्चुअली वो मेरे पास नहीं है, पर फिर भी मैं व्रत हूँ। और जिस तरीके से भाई के पास ना होने से व्रत तोड़ा जाता है, उसी तरीके से मैं भी व्रत तोड़ लूँगी। और अब हम बनाने जा रहे हैं सलोनी। आज मैदा पड़ा हुआ था दिवाली का, सोचे सलोनी ही बना दूँ। चलिए आपको मैं सलोनी की रेसिपी शेयर करूँगी। ओके, देखिए फ्रेंड, हम ओवन का आटा लगा चुके हैं। ये सही से बना है या नहीं, ये ऐसे चेक होगा। ये देखिए, आप चाहें तो इसमें डालडा मिला सकते हैं, घी मिला सकते हैं, या जो ऑयल आप खाने में यूज़ करते हैं वो मिला सकते हैं। मैंने खाने वाला ऑयल यूज़ किया है। और जब ओवन अच्छी तरीके से हो जाए तो ऐसा बना के देखिएगा कि बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर ऐसा बन जाता है तो आटा ठीक से लगा हुआ है। हमारे यहाँ तो उसको सैलोनी बोलते हैं। पूरा प्रोसेस मैं दिखाऊंगी बनने के बाद, आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो कमेंट्स में बताइएगा। ओके गाइस, ये इस तरीके से कटिंग होगा और फ्राई होगा। मैं इसे आपको फ्राई करने के बाद दिखाऊंगी। ऐसे बनता है सैलोनी। आप फाइनल बन चुका है। अब पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।